देखता हूं कि मेरी साधना का चाहे जो अंश उन्हें समर्पित करना पड़े, जो भी भक्त मेरी जो महाराज को मैंने बार बार कहा यहां मैं चिंतन देने के लिए विशेष तौर पर आपको नहीं बुलाता, वह एक दिव्य आरती में सम्मिलित होने के लिए बुलाता हूं कि चिंतन तो मैंने बार बार कहा कि आप करोड़ों मील दूर बैठे रहें, मेरी शांत की तरंगे आपको प्रभावित करती रहेंगी। मैंने अनेकों जगह पूर्व में चिंतन दिए, आप लोग एहसास करते हैं कि मैं जब जहां चाहता हूं जिसको चाहता हूं खींच लेता हूं, जिसको चाहूं दूर कर सकता हूं, जिस क्षेत्र में चाहूं उस क्षेत्र में चिंतन डाल सकता हूं, जिसे चाहूं उसे पतन के मार्ग पर भेज सकता हूं और जिसे चाहूं पतन से उठाकर दिव्यता की ओर भेज सकता हूं। उसी के लक्ष्य को लेकर के कि ये जो दिव्य आरतियां होती हैं, जिन आरतियों पर मैं स्वतः उपस्थित होता हूं साकार स्वरूप में, वह चाहे यहां शुरू में हो रही हो, आश्रम में, आश्रम के बाहर हो रही हो, जो भी शिष्य या भक्त या जिसके अंदर शिष्यत्व और भक्ति भाव भी नहीं होगा, यदि मेरी 108 दिव्य आरतियों का लाभ प्राप्त कर लेगा, उसे सिद्धाश्रम की प्राप्ति मैं अवश्य करा दूंगा। उस दिव्य लोक की बात कर रहा हूं जिसे दिव्य धाम, जिसे परम धाम कहा जाता है, जिसे मुक्ति का मार्ग कहा जाता है, कि अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी, अपराधी से अपराधी व्यक्ति भी यदि केवल उन 108 दिव्य आरतियों को प्राप्त कर लेगा तो यह दिव्य धाम का अधिकारी होगा। यह यात्रा में अनेकों लोग सोचेंगे कि हम तो वृद्धावस्था में हैं, यह सौभाग्य गुरु जी ने तो ऐसा आशीर्वाद चिंतन दिया कि हम इस आशीर्वाद से वंचित हुए जा रहे हैं, उन्हें भी एक आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि जो कम से कम इस जीवन में 11 दिव्य आरतियों को प्राप्त कर लेंगे, वह पुनर्जन्म में चाहे जहां जन्म लेंगे इन आरतियों के क्रम की श्रृंखला से जुड़ जाएंगे और वह श्रृंखला उनके साथ जुड़ जाएगी। यह संकल्प, इस संकल्प की पूर्ति के लिए आप लोगों को उस पथ पर बढ़ना है और उसके लिए मुझे कोई भी आशीर्वाद देना पड़े, कोई भी साधना तपस्या और करना पड़े, मां के चरणों में अपने साधना का कोई भी अंश समर्पित करना पड़े, क्योंकि मेरा संकल्प है कि मुझे यदि हजारों करोड़ों जन्म कोढ़ियों का व्यतीत करना पड़े फिर भी स्थापित कराहती मानवता का केवल उद्धार हो जाए, सतमार्ग विषय मिल जाए, तो मैं हजारों वर्ष कोढ़ियों का जीवन जीने के लिए तैयार बैठा हूं।